हेलो दोस्तों, मैं रुस्तम और आप देख रहे हैं नॉलेज लाइव। दोस्तों आज हम लोग 10th क्लास उर्दू का तीसरा क्लास लेकर आए हैं। हम पहला चैप्टर में पढ़े थे लो हम्द, और आप हम लोग पढ़ेंगे लो मुख्तसर अफसाना यानी छोटी कहानी। तो सबसे पहले आप लोग किताब निकाल लीजिएगा लो, और पेज नंबर 6 है, हम पढ़ाएंगे। उसके बाद से जो बोर्ड पर लिखे हैं उसको एक्सप्लेन करेंगे। दोस्तों हम पढ़ेंगे क्या, मुख्तसर अफसाना, इसको हिंदी बोलते हैं लो छोटी कहानी या इंग्लिश होता है शॉर्ट स्टोरी, ठीक है। और लिखा है मुख्तसर अफसाना उर्दू नस्र के तख्लीकी अदब में सबसे कम उम्र और नौखेज सिंफ है। यानी कि जो उर्दू अफसाना है, उर्दू अदब में जितने भी अशनाफ है वो सबसे नया ये सिंफ है। लेकिन इस सिंफ ने अपनी कम उम्र और नौखेजी के बावजूद ऐसी फनी पुख्तगी और मकबूलियत हासिल कर ली है जिससे सरसरी तौर पर गुजर जाना अब किसी के लिए भी अब मुमकिन नहीं है। यानी उर्दू अफसाना एक ऐसा सिंफ है जो उर्दू में सबसे कम उम्र है और सबसे ज्यादा तरक्की कर चुका है। अब कोई भी सिंफ इतना ज्यादा तरक्की नहीं कर सकता। यह सिंफ कदम कदम पर फिक्र और फन का ऐसा जलाल व जमाल पेश करती है जिससे जहन को नूर और दिल को सुरूर हासिल होता है। यानी अफसाना को पढ़ने से हमारा जहन को एक नया अंदाज मतलब मिलता है, हमारा जहन नए तरीके से सोचना शुरू करता है। इसके आईने में हमें जहाँ अपनी मुल्क कौम और समाज की तस्वीर नजर आती है, वहीं हमारे जिंदगी में पेश आने वाली दुश्वारियों या गम व इल्म और मुसर्रत व शादमानी की झलकियां भी दिखाई देती हैं। यानी हम लोग अफसाना पढ़ते हैं लोग तो हमारे समाज के, हमारे घर के बारे में, हमारे मजहब के बारे में, हमारे संस्कृति कल्चर के बारे में उर्दू अफसाने में पता चलता है। वहीं हमारे जिंदगी में पेश आने वाली दुश्वारियों आगे कहा जाता है कि अब उर्दू में मुख्तसर अफसाना मगरबी अदब के ज़ेर असर वजूद में आया और बहुत कम अरसे में इसने उर्दू में एक अहम सिंफ की हैसियत से अपनी शनाख्त कायम कर ली और आम लोगों के दरमियान इसे खूब मकबूलियत भी हासिल हुई। उन्हें कहा जाता है कि वेस्टर्न कल्चर से यानी कि यूरोपीय सभ्यता से उर्दू लिटरेचर में अफसाना की आमद हुई और ये बहुत ही कम समय में बहुत ज्यादा पहचान कायम कर लिया। अफसाने की मुतअद्दिद तारीफें की गई हैं। एक मुमताज मगरबी अदीब का कहना है कि अफसाना ऐसी नस्ली कहानी है जो एक ही नशिस्त में पढ़ी जा सके। यानी कि अफसाना किसे कहते हैं या अफसाना क्या है, बहुत सारी तारीफें किया गया है। इसमें मगरब की एक अदीब ने कहा है कि अफसाना उर्दू की एक ऐसी नस्ली कहानी है जिसे एक ही नशिस्त में पढ़कर खत्म किया जा सके, एक ही बार में पढ़कर खत्म किया जा सके। फिर आगे लिखा है, किसी ने यह भी कहा है कि अफसाने में बुनियादी शय वहदत ताशुर है। बहरहाल अदब और फन के माहिरीन ने इसकी जो भी तारीफें बयान की हैं, इन सब के दरमियान एक ख्याल मुश्तरक है। इन सब ने एक बात कॉमन लिया है कि अफसाना नस्र में एक मुख्तसर बयान या तकनीकी सिंफ है, यानी सबसे छोटी कहानी है। अफसाने में किसी एक किरदार या किरदारों के एक मखसूस गिरोह के नकूश या जहनी कशमकश को नुमाया किया जाता है। यानी कि अफसाना कहानी लिखते समय एक किरदार लिया जाता है, यानी एक्टर हीरो लिया जाता है और उसके या उसके समूह लिया जाता है, ग्रुप्स, और उसके मकालमात को, उनके बातचीत को पेश किया जाता है। फिर आगे लिखा है, अफसाने में वाकियात की तफसील, किरदारों की गुफ्तगू और मंजर व माहौल की पेशकश बहुत नपीतली और मतवाजिन होती है। यानी कि आपको किरदार कितना बोलेगा, किससे क्या बात करेगा, इस पर जरूर से ज्यादा बातें नहीं की जाती है और अफसाना बहुत बड़ा हो जाएगा। उर्दू में मुख्तसर अफसाने का आगाज 20वीं सदी की इब्तदा में हुआ था। कब से हुआ था, 20वीं सदी के इब्तदा, यानी कि अभी 21वीं सदी चल रहा है, 1900 ईस्वी से लेकर के 1999 ईस्वी तक, ये 20वीं सदी माना जाता है, ठीक है। तो ये इसी समय लगभग लगभग 1900 ईस्वी के आसपास या 1903 के आसपास उर्दू अफसाने का आगाज हुआ, ठीक है। फिर लिखा है, इस हुआ और इस सिंफ ने तकरीबन अपने 100 साल यानी 100 साल के सफर में कई नसीब व अफराज देखे हैं। इसका बहुत तरक्की भी हुआ, सवाल भी हुआ। लिखा है, मुतफका राय के मुताबिक उर्दू का पहला मुख्तसर अफसाना नसीर और खदीजा को तस्लीम किया जाता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, उर्दू का पहला मुख्तसर अफसाना किसे माना जाता है, नसीर और खदीजा को, जो 1903 ईस्वी में शायद हुआ। इसके मुसन्निफ राशिदुल खैरी थे। कब शायद हुआ था, 1903 ईस्वी में, और इसके मुसन्निफ कौन है, राशिदुल खैरी। हालांकि ट्विटर में जाएंगे तो बदल जाएगा ना, 12th क्लास का जो उर्दू है उसमें दूसरा कोई बताया गया है। चलिए आगे देखते हैं।
इसके बाद फरजाद हैदर यलदरम के अफसाने सामने आए। फिर लिखा है 1936 में तरक्की पसंद तहरीर का आगाज हुआ, यानी उर्दू अदब में एक नया मोड़ है 1936। इससे चंद साल कबल अंगारे के नाम से एक मजमुआ शाया हो चुका था, यानी कि अंगारा एक अफसाने का मजमुआ जो 1932 ईस्वी के आसपास शाया हुआ था, जो 1936 के तरक्की पसंद में सबसे ज्यादा मशहूर हुआ, जिसने मौजू और फन दोनों एतबार से उर्दू के मुख्तसर अफसाने की तारीख में नए तजुर्बों की बुनियाद डाली और ये मजमुआ आज भी एक संगीन की हैसियत रखता है। फिर दोस्तों आखिरी पैराग्राफ है इस किताब का। 1907 ईस्वी की दहाई में जदीद अफसाना निगारों की एक नई नस्ल उभर के सामने आई, जिसने हकीकत निगारी से इनहराब किया और अफसाने की अलामत आरोह तमसील और तजदीद की आमेजिश करके उर्दू अफसाने का उफक मजीद वसी किया। उन्होंने बहुत सारे तजुर्बात किए, बहुत सारे नए टॉपिक निकाले और उन्होंने उर्दू अफसाने को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। इस अहद के अफसाना निगारों में इंतजार हुसैन, सुरेंद्र प्रकाश, अनवर सज्जाद, बलराज कोमल, ग्यास अहमद गद्दी और कलाम हैदरी वगैरह बहुत अहम है। ये सभी उर्दू के मशहूर अफसाने निगार हैं। आखिरी पैराग्राफ है, उर्दू अफसाने की तारीख में मुंशी प्रेमचंद, सज्जाद हैदर यलदरम, सआदत हसन मंटू, राजेंद्र सिंह बेदी, इसमत चुगताई, ख्वाजा अहमद अब्बास, सुहेल अजीम अब्बादी, अख्तर औरेनवी, रामलाल, शकीला अख्तर और जोगिंद्र पाल की खिदमत को हम कभी फरामोश नहीं कर सकते। इन्होंने इतने अच्छे अफसाने लिखे हैं कि ये उर्दू अदब से कभी खत्म नहीं होंगे, इनके नाम को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। दोस्तों ये था आप लोगों की किताब का पेज नंबर 6 से हम मुख्तसर अफसाना का जो पढ़ाए हैं, अब हम इसको लिखेंगे, ठीक है। आप लोग भी कॉपी निकालिए और इसे नोट करिएगा। दोस्तों हम लोग क्या पढ़ा है, मुख्तसर अफसाना यानी शॉर्ट स्टोरी, ये हमारे 9th और 10th दोनों क्लास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। फिर लिखा है अफसाना किसे कहते हैं, यानी अफसाना की डिफिनेशन। तो अफसाना ऐसी नसरी कहानी है जो एक ही नशीस में पढ़ी जा सके, ठीक है, यानी कि बैठे अफसाना स्टार्ट करे और कुछ ही देर में पढ़ करके खत्म कर दिया जाए। ऐसा नहीं है कि नावेल या सीरियल जैसे लंबा लंबा दास्तान होता है, वो ऐसा नहीं है। फिर आगे लिखा है किसी ने ये भी कहा है कि अफसाने में बुनियादी शाया वायदा तासुल है। फिर लिखा है ये जो अब हम लोग पढ़ेंगे लोग 10th लेवल से है ना, ये जो 9th 10th के लेवल से है उसके हिसाब से उर्दू का पहला अफसाना कौन है। तो दोस्तों उर्दू का पहला मुख्तसर अफसाना नसीर और खदीजा है। कौन है, नसीर और खदीजा को तस्लीम किया जाता है, जो 1903 ईस्वी में शाय हुआ और इसके मुसन्निफ राशिदुल खैरी थे। कौन थे, राशिदुल खैरी। हालांकि दोस्तों जब हम इंटर में जाएंगे तो हम लोग पढ़ेंगे लोग कि उर्दू का पहला अफसाना 1900 ईस्वी में शाय हुआ। कब शाय हुआ, 1900 ईस्वी में, और इसके मुसन्निफ थी इसका उर्दू का जो पहला अफसाना था वो था नशे की पहली तरंग, जो सज्जाद हैदर यलदरम ने लिखा था, लेकिन ये 9th 10th के लिए नहीं है, ये हम लोग पढ़ेंगे लोग 12th क्लास में। चलिए अब हम आगे देखते हैं। 1936 ईस्वी में तरक्की पसंद दौर का आगाज हुआ। कब हुआ था, तरक्की पसंद दौर का आगाज 1936 ईस्वी में, और उससे पहले अंगारे के नाम से 1932 ईस्वी में एक अफसाना का मजमुआ शाया हो चुका था, जिसने तरक्की पसंद दौर में बहुत मतलब करामत काम किया था। इसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे लोग उर्दू के मशहूर अफसाना निगारों में, निगार का नाम है प्रेमचंद, कृष्णचंद्र, सज्जाद हैदर यलदरम, राजेंद्र सिंह बेदी, इसमत चुगताई, शकीला अख्तर, सुहेल अजीम अब्बादी, सैयद मोहम्मद मुहसिन, कमर जहां वगैरह। दोस्तों यहां पे हम एग्जाम में दो तरह से क्वेश्चन आता है, या तो उर्दू के 5 मशहूर अफसाना निगार का नाम बताइए या बिहार के 5 मशहूर अफसाना निगार का नाम बताइए। तो दोस्तों यहां से हम शुरू करते हैं, तो ये बिहार के हैं, शकीला अख्तर बिहार से है, सुहेल अजीम अब्बादी, सैयद मोहम्मद मुहसिन, कमर जहां, ये सभी बिहार के मशहूर अफसाना निगारों में नाम आता है। दोस्तों अब हम हमारी किताब जो 10th क्लास का दरक्षा उर्दू है उसमें 4 अफसाना है। कितने अफसाना है, 4। पहला सुहेल अजीम आबादी का अफसाना थाबीजान, जो हम लोग कल देखेंगे। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और भी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। तब तक के लिए शुक्रिया।